मेरे चलते कोई डैमेज हो, आरजेडी डैमेज हो, तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है? हम तो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम तो डैमेज के लिए लड़ रहे नहीं रहे। लोग हमको प्यार देंगे, हम एमएलसी बनेंगे, जब एमएलसी बनेंगे तो उनकी आवाज उठाएंगे। अब इसमें कौन डैमेज हो रहा है, कौन बच रहा है, तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है बताइए, उसमें मेरा क्या दोष है? देखिए माननीय लोगों का क्या हालात है, आपके वोट का कीमत लोग लगा रहे हैं पैकेट के माध्यम से। जो आदमी माननीय वार्ड सदस्यगण, माननीय मुखियागण और माननीय जिला परिषद के सदस्यगण, क्या किसी माननीय नेता के बल पे जीत के आता है, क्या किसी पार्टी के बल पे जीत के आता है? पता करवा लीजिए, लगभग 95% लोग अपने व्यवहार पे, अपने विवेक पे, अपने चेहरा पे जीत के आते हैं। अरे पंचायत के चुनाव में माननीय लोग झांकने नहीं जाता, वो चाहे आरजेडी की बात कर ले, चाहे बीजेपी की बात कर ले, चाहे जदयू की बात कर ले, इसलिए नहीं जाता कि ना भाई वो चुनाव में ना वो लोग देखेगा। तो जब हम अपनी चुनाव अपने चेहरा पे जीत के आए हैं, तो अपने मत का प्रयोग अपने भाई को करने में क्या परेशानी है? और ये लड़ाई अजय चौहान की लड़ाई नहीं है, अजय चौहान जैसे साधारण व्यक्ति का यह लड़ाई है। 293 मुखिया, साथ ही साथ सभी सम्मानित वार्ड सदस्यगण और सभी पंचायत समिति के सदस्यगण, प्रमुख महोदय का लड़ाई है। अब बीए, बीकॉम, बीएससी और एमए, एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ट असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, डीएवी कॉलेज गेट के सामने, सिवान। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान, तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान। अजय चौहान जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं जबकि MLC का चुनाव गुणागणित का चुनाव माना जाता है और आपका गुणागणित दोनों कमजोर है, इस लड़ाई में अपने आपको कहां देखते हैं? बिल्कुल आपका, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और रियल बात आपने कहा कि गुणागणित का चुनाव है, ये चुनाव को गुणागणित पे बना दिया गया है। अगर उस आप नजरिया से देखेंगे, गुणागणित का एक ही कंसेप्ट है, आपका जो सवाल है उसमें गुणागणित का एक ही कंसेप्ट है कि धन बल का प्रभाव, शक्ति का प्रभाव, वही तो गुणागणित है, बाकी कौन सा गुणागणित है? तो उसमें तो निश्चित तौर पर हम कमजोर हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं कि हम कमजोर नहीं है, चूंकि मेरे पास ना वो धन है, ना बल है, ना प्रभाव है, ना शोहरत है, ना रुतवा है, लेकिन एक गणित मेरे पास जरूर है। 283 मुखिया हम लोग हैं पूरे जिला में, 283 मुखिया हैं और 283 मुखिया के हम संगठन के उनके सिपाही हैं, उस संगठन के भी हम सिपाही हैं। और पूर्व में भी हमने बताया है, ये मन मिजाज कहीं कुछ नहीं था, मेरे पास का नहीं है, हम तो शुरू से ही कहते आ रहे हैं। अब अकेला चना कहीं भाड़ फोड़ेगा तो उस नज़र से आप देखेंगे तो बिल्कुल हम कमजोर हैं। लेकिन जैसे सांगठनिक चुनाव का जो प्रक्रिया था संडे को, रविवार को, तो किसके बल पर आदरणीय रईस खान साहब जीतेंगे, किसके बल पर आदरणीय विनोद जायसवाल जी जीतेंगे, किसके बल पर आदरणीय मनोज भैया जीतेंगे, कौन सा गुणागणित है? तो ये लोग गुणागणित लगा रहा है कि उन मालिकों के पास जाएंगे और अपने ताकत, अपने लिफाफा के बदौलत हम चुनाव जीतेंगे, इसी प्रभाव की चर्चा करना चाहते हैं। आप उन्हीं मालिकों के साथ आप भी थे, बिल्कुल बताना चाहते हैं, कल तक नहीं, बिल्कुल बताना चाहते हैं, उस सवाल पे आ जाना चाहते हैं, आप कह रहे हैं जो उस सवाल पे आ जाना चाहते थे, राष्ट्रीय जनता दल की बात है, आप वहीं कहना चाहते हैं कल उन मालिकों के साथ थे। रविवार को संडे को बैठक थी और 283 मुखिया में 240 नया चेहरा है जो अपने बल, अपने व्यवस्था, अपने बुद्धि, अपने क्षमता के बदौलत लोगों के बीच में आया हुआ है, 240 चेहरा। जब तमाम लोगों की हम बैठक कर रहे थे, संगठन पे चर्चा हम कर रहे थे आदरणीय मेरे सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ ही, तो संगठन पे चर्चा करते करते जो समस्याएं छन के आती है, वो चाहे मनरेगा से हो, चाहे मानव बल को लेकर के हो, पेंशन से हो, राशन से हो, किराशन से हो, जाति से हो, आय से हो, निवास से हो, थाना से हो, पुलिस से हो, नली से हो, गली से हो, तमाम इशूज जब छन के आता है आवाम का, तो चर्चा करने के दरमियान लोग अपने आप को विवश देख रहे थे कि भाई किससे हम बात करें। हर वक्त हम लोगों ने बात किया, कलेक्टर महोदय से हमने बात किया, DDC महोदय से हमने बात किया, उस संदर्भ में हम हर वक्त पत्रचार भी करते रहते हैं। फिर हुआ कि इसी कड़ी को मजबूत करने के लिए बाबा साहब ने संविधान में एक व्यवस्था दिया है, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान में एक व्यवस्था दिया है, उस व्यवस्था का नाम है कि अपने द्वारा अपने ताकत के बदौलत चुना हुआ प्रतिनिधि जो MLC के रूप में बिहार विधान परिषद में जाकर के बैठेगा। और आप समझिए, बिहार विधान परिषद में जो व्यक्ति जाकर के बैठता है अपने सभापति के सामने, जब पंचायतों की समस्याओं, त्रिस्तरीय पंचायत के लोगों की समस्याओं को जब आवाज उठाएगा, तो जिस स्पीड से वहां निदान होता है उस स्पीड से निदान जिला में नहीं होता है। उसी कड़ी में हमारे साथी ने ऐसा कहा कि क्यों नहीं हम अपनी वोट को दूसरे को देते हैं, जो वोटर नहीं है, जिसके प्रभाव में, जिसके पैसा के बदौलत, जिसका कंसेप्ट ही है आपकी वोट को खरीद लेना, 10,000 का लिफाफा दे देना, 20,000 का लिफाफा दे देना, 5,000 का लिफाफा दे देना,
ऐसा जो जो आप कह रहे थे कि उस गुणागणित का जो चर्चा करते उसी को हम बताना चाहते हैं। गुणागणित यही है सर, सर सर एक मिनट हमारी बात समाप्त हो जाने दीजिए। उसी कड़ी में महोदय तमाम सम्मानित मुखियागण ने यह प्रस्ताव लाया कि क्यों नहीं अपने ही बीच के किसी भाई को, अपने ही बीच के किसी बेटा को, जो हमारे पिता उम्र में हमारे जनप्रतिनिधि, जो हमारे भाई की उम्र में है, तो पिता की उम्र में लोगों ने कहा कि क्यों नहीं अपने बीच के बेटा को अपने नेता के रूप में विधान परिषद भेजा जाए। लोगों ने प्रस्ताव लाया क्योंकि उन्हीं के वोट से सब लोगों को जीतना है, चाहे आदरणीय या चाहे माननीय लोग, चाहे मेरे जैसे साधारण सा लोग। उसी कड़ी में लोगों का निर्णय आया रविवार को। निर्णय अकेले नहीं कर सकते थे सर, एक मिनट, निर्णय अकेले नहीं कर सकते थे, लोगों का निर्णय उस कारवा में लगा, यही स्थिति रहा। बाकी अब जो पूछिएगा, चौहान जी माना जाता है कि एमएलसी का चुनाव केवल धनबल के बल पे लड़ा जाता है, पहली बार कोई चुनाव हो रहा है कि ग्राउंड पे लड़ा जा रहा है, इस पे क्या कहिएगा? प्रयास कर रहे हैं उसी लोकतंत्र को बचाने के लिए। आज तक बचाने वाले कहां थे? अब आज तक तो जो लोग लड़े हुए हैं जवाब तो वही ना देंगे। कल आप भी किसी के साथ हुआ करते थे? नहीं, हम तो कह रहे हैं ना इस चुनाव आपके प्रतिरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, उनके साथ पिछले चुनाव में आप भी थे। बिल्कुल इस बात को कह रहे हैं, उस समय इन लोगों का ताकत नहीं था क्या? उस समय आपको नहीं लगा कि आपको जाना छोड़ देना चाहिए? उस समय उन्होंने जनता की याद नहीं आई आपको? उस समय लोगों का ताकत नहीं था, हम बार बार कह रहे हैं कि हम पैसों के बल पे जीता हुआ प्रतिनिधि क्या जनता का मदद कर सकता है? आप कभी बता दीजिए कैसे करेगा। आप वो हमारी कीमत को 10,000 और 5,000 और 20,000 तक सीमित कर दिया और एक चुनाव में 5 से 10 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, तो क्या आप बताइए हमारे वार्ड सदस्य को पहचान पाएगा, आदरणीय मुखिया को पहचान पाएगा, आदरणीय पंचायत समिति के व्यक्ति को पहचान पाएगा? चूंकि वह उसका 10 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, और मेरे जैसे साधारण से व्यक्ति के लिए अगर प्यार मिलता है तो हमको इस चीज का एहसास रहेगा कि बिना चप्पल वाले व्यक्ति को, बिना धन वाले व्यक्ति को, मेरे जैसे कमजोर। एमएलसी चुनाव का मतलब जितना जीत के बाद कहीं चले जाना, पहला चीज होता है सर। दूसरा चीज होता है गवर्नर से किसी का मुलाकात हो सर। तीसरा चीज होता है कि कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो चुनाव के चुनाव दिखते हैं, उसके बाद कई स्टेटस जाके चुनाव। इन्हीं सब चीजों पे विराम लगेगा, और कौन लगाएगा? वही मालिक लोग लगाएंगे, वही जनप्रतिनिधि लोग लगाएंगे। इन सारी चीजों पर जो आप सवाल कर रहे हैं, ये 4 तारीख को लोग जब अपने मत का प्रयोग करेंगे तो जवाब मिल जाएगा कि नहीं भाई। बिल्कुल कम समय बचा हुआ, हम तो कह रहे हैं। तो 200 अकेले व्यक्ति भाग रहा है किनके पास? अपने 283 भाइयों के पास, अपने सम्मानित वार्ड सदस्य के पास, अपने पंचायत। एक चेन बना हुआ है, हर वक्त जो सिस्टम चलता है चेन पे चलता है। अब पार्टी के भी संगठन की आप बात करेंगे तो पार्टी में चेन बना हुआ है। राष्ट्रीय जनता दल की बात करेंगे या आरजेडी, ये जदयू की बात करेंगे या भाजपा की बात, या जो भी पार्टियां, चेन पे वो लोग लड़ रहे हैं। विनोद जायसवाल जी भी चेन पे लड़ रहे हैं, उनके प्रखंड अध्यक्ष हैं, उनके महासचिव हैं, उनके सचिव, उस आधार पे लड़ रहे हैं लोग। और हम भी जो लड़ रहे हैं चेन पे लड़ रहे हैं, 293 मुखियाओं का चेन बना हुआ है, उसी चेन के आधार पर हम रन कर रहे हैं। अकेला व्यक्ति उन लोगों के बीच भाग रहा है, लोग क्या कह रहे हैं आप समझिएगा। लोग कह रहे हैं कि अजय जी ये हमारी अपनी लड़ाई है। और जहां तक गुणागणित की बात हम बता देना चाहते हैं, पंचायत सरकार में आप देख लीजिएगा सम्मानित मुखिया, और हर पंचायत में 12, 14 और 16 वार्ड लोग हैं, वार्ड सदस्य के लोग। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि सम्मानित मुखिया के साथ 14 वार्ड एक साथ समर्पित है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन मेरा कैलकुलेशन है कि अगर हमारे भाई यह चुनाव अपना समझ करके लड़ते हैं तो 5 वार्ड सदस्य और 1 मुखिया जी, 6 व्यक्ति का अगर एक ताकत लेकर के चलते हैं, 5 से 1 मुट्ठी होता है, एक ताकत होता है, इसमें ताकत होता है। 5 वार्ड सदस्य, 1 मुखिया जी उसको अगर ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको अपना चुनाव मान के लड़ते हैं, सिवान जिला त्रिस्तरीय पंचायत का अपना चुनाव समझ के लड़ते हैं, तो बताइए क्या बहुत बड़ा गुणा भाग होने जा रहा है क्या? क्या बहुत हम लोग उससे दूर रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। चौहान जी देखा जा रहा है कि सारी पार्टियां तो मतलब जो भी आए हैं पार्टी के लेवल पर चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी की ओर से विनोद जायसवाल, एनडीए की ओर से मनोज सिंह, तो निर्दलीय रईस खान आए हुए हैं, तो अजय सिंह किस बेस पर चुनाव लड़ेंगे? अजय चौहान तमाम 283 सम्मानित मुखिया, हम बार बार कह रहे हैं उसी चेन पे हम चल रहे हैं, बार बार कहने की उसी चेन पे चल रहे हैं। अकेले बिक जाएंगे तब क्या करेंगे? मान लीजिए कितना लोग बिक चुके हैं इस समय, पैसे पर बिक जा रहा है, कितना लोग बिक चुके हैं? ये बेचने वाला का नजरिया है, ये खरीदने वाले का, ये खरीदने वाले का नजरिया कि हम उसके ताकत को पैसा से बल पे खरीद रहे। अब आप जरा बता दीजिए, आप ही के माध्यम से एक छोटा सा सवाल। 3 लोग हैं अभी हमारे पास, 3 माननीयों का चेहरा आ रहा है, तीनों लोग धनबल का प्रयोग कर रहे हैं। बताइए कि 3 लोगों में वोटर किसी एक आदमी को ही ना वोट देगा, एक ही आदमी को वोट देगा। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम नहीं भी लड़ते हैं या हम साइड भी हो जाते हैं, भैया जरा समझिएगा, हम साइड भी हो गए, आप ही सवाल है मेरा, कुछ गलत हो तो बताइएगा। अगर हम साइड भी हो गए, मान लिया कि हम नहीं लड़े,
लेकिन जो तीनों निधाल बल का प्रयोग कर रहे हैं तो वोटर तो किसी एक आदमी को वोट देगा? तो वो लोग उसी विश्वास पे जी रहा है कि भैया हम पैक तो दे दिए, हम चढ़ावा दे करके उनके ताकत को खरीद रहे हैं, मान लिया, पैसा दे करके अपने प्रभाव में ले लिए, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों का विश्वास काम है कि हमको वोट मिलेगा। तो आप पैसा दे करके विश्वास पे जी रहे हैं और ये अजय चौहान उन लोगों के दिल में बस करके विश्वास पे जी रहा है। यही जो पद है उसे इस्तीफा भी देंगे? ऑफकोर्स इस्तीफा देंगे, हम बोल रहे हैं ना आज उसका तैयारी करवा रहे हैं, क्योंकि उसको लेटर हेड पे अपने तैयारी प्रदेश महासचिव के लेटर हेड पे तैयारी करवाएंगे और कंसर्निंग स्टेट प्रेसिडेंट को आ चुकी जाएगा तो मेल के माध्यम से उसको हम टाइप वाइप करवा करके स्टेट कमेटी को भेजेंगे, साथ ही साथ उसकी प्रतिलिपि यहाँ के सम्मानित जिलाध्यक्ष महोदय परमात्मा राम जी को देंगे, पार्टी के प्रदेश महासचिव से रिजाइन करते हुए पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा देंगे, क्योंकि अकेले जो कारवा बना हुआ है तमाम 293 मुखिया वार्ड सदस्य पंचायत समिति के सदस्य, और ये लड़ाई अजय चौहान की लड़ाई नहीं है, अजय चौहान जैसे साधारण व्यक्ति का यह लड़ाई है, 293 मुखिया साथ ही साथ सभी सम्मानित वार्ड सदस्यगण और सभी पंचायत समिति के सदस्यगण प्रमुख महोदय का लड़ाई है, वो लोग देख रहे हैं। अभी हम लोग प्रमुख महोदय से भी मिल के आ रहे हैं, लोगों से जा रहे हैं, लोग ये कह रहा है कि रियल निर्णय अभी अजय जी के द्वारा किया गया है और हम लोग देंगे, और पंचायत या किसी भी चुनाव में चेहरा पर भी वोट मिलता है। एमएलसी का काम क्या क्या होता है? ऑफकोर्स एमएलसी का प्रकार समझ लीजिए, एमएलसी जैसे आपको स्नातक भी एमएलसी है, नॉमिनेटेड भी एमएलसी है, और त्रिस्तरीय पंचायत के जो एमएलसी है केवल और केवल आपके ताकत से जब जीत के जाएंगे तो पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद के समस्याओं का उजागर करने का कार्य करेंगे, उनके अधिकार की बात करेंगे, उनके अधिकार पे आवाज उठाएंगे, उनके अधिकार की लड़ने की लड़ाई लड़ेंगे। अब एक सवाल इस पर और करना चाहते हैं, जो भी माननीय लोग हैं जरा सवाल पूछ लीजिए, पंचायतों के साथ क्या क्या समस्या है? हम तो 15 साल से इस चेयर पे हैं और 15 साल से लोगों के दुख और दर्द को देख रहे हैं, मौका नहीं मिलता है हम लोगों को, हम लोग अपनी आवाज यहाँ से कलेक्टर साहब तक लेके जाते हैं, अपनी आवाज डीडीसी साहब तक लेके जाते हैं और डीडीसी साहब तक लेके जाते हैं, इंप्लीमेंट शून्य हो जाता है। अगर शून्य नहीं होता तो एक नजर देना चाहते हैं किसी भी पंचायत समिति के हाउस में, समझिएगा बहुत बड़ा हाउस है प्रखंड का, आप पता करवा लीजिए किसी भी पंचायत समिति के हाउस में पूर्ण अधिकारी सभी लोग नहीं बैठ पाता है, अपने CDPO अपने LS को भेज देंगे, जैसे SDO अपने JE को भेज देंगे, अरे यहां तो छोड़ दीजिए अपने प्यून को लोग भी हाउस में भेज देता, हम नजीर हैं। अभी पंचायत समिति का हाउस बैठा हुआ था मैरवा प्रखंड के, माननीय अशोक पांडे जी वहां गए, आप गए हुए थे और क्या हुआ, सभी 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 आप समिति के सदस्य हैं, आप समझिए इससे बड़ा गौरव की बात क्या होगा, खुद ही आप बयान करिए ना। मुखिया अध्यक्ष रहने के बाद भी मुख्यमंत्री का साथ निश्चित योजना सफल नहीं हुआ धरातल, और फिर आप सपना देखने लगे MLC का। हाँ, बहुत बेहतरीन सवाल है, उस समय भी हम लोग लड़ने का कार्य किए थे, खामी है जमीन पे, आदरणीय मुख्यमंत्री का निर्देश आ गया था, फर्स्ट बार उन्होंने वार्ड समिति का गठन किया था जिसमें वार्ड सचिव और वार्ड को उसका जिम्मेवारी दिया गया था, हम लोग आदरणीय माननीय न्यायालय के समक्ष हम लोग गए थे और माननीय न्यायालय का आदेश आया कि इस जैसे नियम को रद्द किया जाए, हुआ भी, बावजूद माननीय मुख्यमंत्री ने क्या किया, पुनः WIMCC का गठन कर दिया, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का, बहुत जमीन की बात बताने जा रहे हैं और उस दर्द को आप समझिएगा, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का गठन कर दिया, स्वागत योग्य है, हमारे वार्ड सदस्य हमारे हाउस के विधायक हैं, इस हाउस के अगर यह कुर्सी मुख्यमंत्री का है तो इस मुख्यमंत्री के पंचायत सरकार के मुख्यमंत्री के हाउस के माननीय विधायक वार्ड सदस्य लोग हैं। क्या हुआ, वार्ड सदस्य के साथ उन्होंने पंचायत ये वार्ड सचिव का गठन कर दिया, सामंजस्य बैठा न माननीय मुखिया न माननीय वार्ड न माननीय सचिव से सामंजस्य बैठा, आए दिन झगड़ा झंझट बवाल, कैसे सिस्टम चलेगा, उसके बाद अधिकारियों का अलग परेशानी। तो जो आप देख रहे हैं ना, जितना भी धरातल पर उतरा है तमाम जनप्रतिनिधियों के सहयोग से उतरा है, उन लोगों का अपने व्यक्तिगत प्रभाव से उतरा है, अधिकारियों का बहुत बड़ा उसमें नाकामी रहा है और पर्दा के पीछे भी खेल रहा है, आप सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है, उस चीज को रोकने की जरूरत है, यही आवाज हम लोग बंद करके जाएंगे सदन में, इसी व्यवस्था को मजबूत करने में हम लगे हुए हैं, और आप जैसे लोगों की जरूरत है, अकेला अजय चौहान इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता है, आपकी आवाज आपके माध्यम से तमाम देश और प्रदेश में आवाज जाएगा, और आप एक काम करिएगा, एक निवेदन होगा, अगर अजय चौहान इस चेहरा में आकर कहीं फिट बैठता है, बार बार अपील करना चाहता आप सभी साथियों से, अगर आप लोग अपने दिल पे लीजिएगा, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, अगर ऐसा आपको लगता है कि अजय चौहान उस काबिल है सभी चेहरा में,
तो आप लोग सपोर्ट करिएगा प्लीज। साथ ही साथ आपके माध्यम से तमाम सिवान के 33 लाख मालिक, चूंकि इसमें अनुमंडल महाराजगंज भी जुटा हुआ है, अगर आप सिवान लोकसभा की बात करेंगे तो 20 लाख, चूंकि 1900 प्रखंड है तो 33 लाख की जो आबादी जिन लोगों ने चुन करके लाया है, हम संदेश देना चाहते हैं तमाम सभी वार्ड सदस्य से कि आप उस चीज को अपने मत का प्रयोग अपनी आवाज के लिए, अंतरात्मा की आवाज, अपनी अंतरात्मा की आवाज के लिए। अब लोग देखिए माननीय लोगों का क्या हालात है, आपके वोट का कीमत लोग लगा रहे हैं पैकेट के माध्यम से। जो आदमी माननीय वार्ड सदस्यगण, माननीय मुखियागण और माननीय जिला परिषद के सदस्यगण, क्या किसी माननीय नेता के बल पे जीत के आता है, क्या किसी पार्टी के बल पे जीत के आता है, पता करवा लीजिए। लगभग 95% लोग अपने व्यवहार पे, अपने विवेक पे, अपने चेहरा पे जीत के आते हैं। अरे पंचायत के चुनाव में माननीय लोग झांकने नहीं जाता है, वो चाहे RJD की बात कर ले, चाहे BJP की बात कर ले, चाहे जदयू की बात कर ले, इसलिए नहीं जाता कि ना भाई वो चुनाव में ना वो लोग देखेगा। तो जब हम अपनी चुनाव अपने चेहरा पे जीत के आए हैं तो अपने मत का प्रयोग अपने भाई को करने में क्या परेशानी है। अब देख लीजिए, अब अगर ये बात कहिएगा, कहेंगे तो हो सकता है लोग कहेंगे मेरे ही चुनाव में मेरे दल के लोग मेरे अगेंस्ट में इन्वॉल्व हुए थे। ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में नहीं, आपको विश्वास है? ऑफकोर्स। अजय जी, अच्छा, में नया नया प्रयोग हुआ है, तमाम नए प्रयोग हुए हैं, उन प्रयोगों में एक नया प्रयोग आप करने जा रहे हैं। अब तक सिवान के इतिहास में कोई 73 पंचायत का प्रतिनिधि MLC का चुनाव नहीं लड़ा, और अमूमन देखा जाता है शिक्षक निर्वाचन में शिक्षक लड़ता है, स्नातक निर्वाचन में जो स्नातक होता है वो लड़ता है, और इस बार आप नया प्रयोग करने जा रहे हैं, आप कहां तक अपने यही चरितार्थ करना है आपके बदौलत, यही चरितार्थ, इसी व्यवस्था को मजबूत करना जो आप कह रहे हैं कि अभी तक कोई त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि नहीं लड़ता, जो वोटर है वो नहीं लड़ता है, कौन लड़ता है भाई, जो लोग प्रभावी लोग हैं, इसी बल को, कोई बाहर से आता है कोई प्रभाव में आता है, इसी बल को। ये लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र स्थापित करने की लड़ाई, यही तो लड़ाई है। मेरे जैसा व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति जब चुनाव में तो जानते हैं क्या हालात है, दो दिन के अंदर पूरे सिवान में गूंज रहा अजय चौहान गूंज रहा है, साधारण सा व्यक्ति आपके बदौलत गूंज रहा, हम ये नहीं कह रहे, आपके बदौलत इतना बड़ा क्षेत्र है, किधर जाएंगे अब, समय की बात कर रहे थे हमारे बड़े भाई, कहाँ समय बचा हुआ है, कौन सा समय है, 6 से 9 तारीख से नॉमिनेशन शुरू है, अब बताइए कि हम किधर किधर जाएंगे। लेकिन नहीं, ये जितने भी लोग अपनी लड़ाई समझ रहे हैं, हमारी आवाज़ में भी लोग फ़ोन कर रहे हैं, आप कल प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, वो फ़ोन कर रहे हैं, अजय जी घबराने की जरूरत नहीं है, हम वैसे व्यक्ति का चुनाव, कुछ वैसे भी लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हम अपने मत का प्रयोग, आप शांत रहिएगा, हम आपको देने जा रहे हैं, यही अपील करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हम हर डोर तक हर लोगों के पास तो पहुंच नहीं सकते, अब चूंकि समय नहीं है, आपके माध्यम से उन हर लोग तक पहुंचने का हम प्रयास करेंगे, और आप लोग पहुंचाने का प्रयास करिएगा, इसलिए नहीं अजय चौहान के पक्ष की बात नहीं, सब लोगों को पहुंचाने का प्रयास करेंगे जितने माननीय लोग प्रत्याशी बनेंगे, जब पहुंचाइएगा तो लोग देखेंगे कि उसमें मेरे लिए कौन सा बेहतर चेहरा है, अगर अजय चौहान बेहतर चेहरा है, अपील करना चाहते हैं मालिकों से। अजय जी, चुनाव जिला मुखिया संघ की बैठक में मुखिया जो गण थे उन्होंने एक वोट और नोट देने की बात कही थी आपके चुनाव की, जब घोषणा हुई तो इस नोट वाले मामले पर आप क्या कहते हैं? बिल्कुल, बहुत सही बात, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम एक वोट आपको देंगे ही, 19 प्रखंड है, दौड़ा करना है, जाना है, आपके लिए हम डीजल का भी व्यवस्था करेंगे, एक एक वोट से आपकी गाड़ी का पेट्रोल पड़ेगा, आप दौड़िए, पूरा खरीद फरोख्त को बढ़ावा देंगे आप भी, आप दोनों में अंतर है, लोग हमको चंदा दे रहे हैं पेट्रोल के लिए, अंतर को समझे, लोग हमको दे रहे हैं और माननीय लोग उनके वोट की कीमत को दे रहे हैं, दोनों में बहुत अंतर है बड़े भाई, बात को समझने की जरूरत है, केवल मतलब दोनों बातों में बहुत ज्यादा ताकत है, एक ताकत है कि लोग अपना सपोर्ट के साथ हमको चंदा दे रहे हैं, धन दे रहे हैं, अजय जी इस 100 रुपया डाल लीजिए और आप पूरा दिन घूमिए, अपने साथियों को खिलाइएगा, हम आपके साथ हैं। दूसरे तरफ सर दूसरे तरफ वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम आ गए आपके यहाँ 10 गाड़ी से, बुलाइए वार्ड लोगों को, बैठा लिए, हाँ भाई प्रत्याशी हैं, लड़ रहे हैं, मिल लीजिए जी, इनवेलप है 10,000 का थमा दिए, आप थमाने का काम कर रहे हैं क्या, यही 10,000 कीमत है उन मालिकों के वोट का, जो फिल्टर्ड लोग हैं, जो छन के आते हैं, आप उनका कीमत 10,000 5,000 15,000 लगा रहे हैं, क्या यह ऐसा लगता है कि जिसका आप कीमत लगाए वो आपकी आवाज़ बन आपको जैसे आपका पावर देगा, अपना सिस्टम देगा, अपना ताकत देगा, नहीं देगा, क्योंकि वह भी जो जीत के आया है आवाम के बदौलत जीत के आया और अपने चेहरा के बदौलत जीत के आया, ना कि पैसा दे के जीत के आया, अगर पैसा देना होता तो पंचायत चुनाव में भी करोड़ों रुपया खर्चा करके लोग हारे हैं, और रिक्शा चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाला, साइकिल चलाने वाले लोगों ने मुखिया बनाया, अंदर में हमारे शांति को
टेम्पो चलाने वाले साथियों को लोगों ने मुखिया बना दिया। अब जानते हैं बताइए वैसे व्यक्ति को तो क्या वहां धन के बदलों तो जीत गया है नहीं आया है। और वैसे लोग कह रहे हैं, वो भी मीटिंग में थे, वैसे लोग कह रहे हैं कि हम जिस लोगों के प्यार से जीते हैं उसी प्यार से अपने विधान परिषद के सदस्य भी। अच्छा जी, अंतिम क्वेश्चन, पीसी लंबा नहीं हो सकता है, राजद से आप कैंडिडेट है, कांग्रेस से कैंडिडेट है, भाजपा भी तो कैंडिडेट नहीं दी है, रईस खान जी निर्दलीय है, कोई रमन जी भी लड़ने आ रही है, चुनाव सुनने आए, पटना से निकल चुकी है, आजकल पहुंच जाएंगे क्षेत्र में, इसमें अपने आप आप कहां देख रहे हैं? हम तो बार बार पहले ही राजद को डैमेज करेंगे या सारे वोट वाले? नहीं नहीं, हमारा कंसेप्ट नहीं है किसी को डैमेज करना, मेरा कंसेप्ट अगर राजद डैमेज होती है तो आप राजद के पुराने खिलाफ सीधा सीधा मेरा कंसेप्ट है, अब राजद डैमेज हो, बीजेपी डैमेज हो या जेडीयू डैमेज हो, बीजेपी जेडीयू से आपको बात नहीं है, थोड़ा देर मेरे चलते कोई डैमेज हो, आरजेडी डैमेज हो तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है, हम तो अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम तो डैमेज के लिए लड़ रहे हैं, नहीं रहे, लोग हमको प्यार देंगे, हम एमएलसी बनेंगे, जब एमएलसी बनेंगे तो उनकी आवाज उठाएंगे, अब इसमें कौन डैमेज हो रहा है, कौन बच रहा है तो उससे हमको क्या फर्क पड़ता है बताइए, उसमें मेरा क्या दोष है, हम तो मालिकों के बीच में जा रहे हैं, लोगों का प्यार मिल जाएगा, हम एमएलसी के रूप में उनका आवाज उठाएंगे, अब तो ये निर्णय करना कि कौन डैमेज हो रहा है और मेरे चलते कौन बच रहा है, ये मेरे बस का है, मेरे बस का ये नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्यार मिला, आप लोगों का दुलार मिला, इसके लिए धन्यवाद।